योकोहामा टूरिस्ट प्लेस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कितना खूबसूरत जहाज है, बिग जहाज है ये, आप देख सकते हैं। और ये नीचे समुद्र है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप राइडिंग और काफ़ी तरह के अलग अलग झूले और काफ़ी इवेंट आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो आप जब भी जापान आए तो यहाँ ना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट है, ये आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। समुद्र के बिल्कुल सेंटर में आप जाएंगे यहाँ से, तो बहुत ही अपने आप में ये बहुत शानदार एक प्लेस है। तो आप जब भी आए तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक के जो झूले हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं आपको सारे झूले, राइडिंग सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। हवा से अपने आप चल रहा है, डायरेक्शन अपने आप बदल रहा है ये, और ये रुकेगा नहीं। बहुत ही एक यूनिक चीज़ इन्होंने बना रखी है ये, तो अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ कवर करूँ। अभी 10% इवेंट भी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है इस राइड में, दिखाऊँगा मैं आपको। ये डिस्को राइड है, करीबन ज़्यादा महंगी नहीं है, 600 यान मतलब करीबन 400 रुपए के आसपास आप ये मान सकते हैं राइड, जो कि ये डिस्को राइड है। उसके बाद ये नेक्स्ट राइड है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टिकट्स काउंटर है ये। तो इसमें ये 400 की कोई सी भी आप राइड कर सकते हैं, 400 रुपीज़ मतलब आप अप्रोक्स 250-300 रुपये मान लीजिए कि ये राइड्स हैं, ये सारी बच्चों की राइड्स हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं, अब ये सारे बच्चों के राइड्स हैं। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं राइड्स के लिए। ये राइड्स फ्रेंड्स बड़ों के लिए है और ये करने लायक राइड्स है, मैं आपको सही बताऊँ तो ये करने लायक राइड्स है बड़ों के हिसाब से। और ये भी बहुत ही अच्छी राइड्स है, इसको किया जा सकता है बस। ये भी राइड देखते हैं कैसे चलती है ये, उसके बाद फिर इसको करेंगे, कंटिन्यू भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये राइड देखिए, काफ़ी अच्छी खूबसूरत राइड है, ये बच्चों की राइड है। तो फ्रेंड्स, ये अब चालू हो गई है राइड्स, इसको दिखाते हैं आपको, ये बहुत खूबसूरत राइड है। ये राइड मैं अभी करूँगा फ्रेंड्स, तो योकोहामा में आप लीजिए राइड्स का आनंद, आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ओह माय गॉड, वेरी डेंजरस राइड फ्रेंड्स, वेरी डेंजरस राइड, ओ माई गॉड। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, ये बहुत ही शानदार राइड्स है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक राइड्स है फ्रेंड्स ये। और ये आप देख सकते हैं कितना लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत चिख रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल राइड्स फ्रेंड्स, वेरी ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, 5 मिनट में पसीने छुड़ा देने वाली राइड्स है ये, तो बड़ी खतरनाक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसा फील होता है। तो बहुत ही खूबसूरत राइड्स है फ्रेंड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, ये मैंने इस राइड की जो है टिकट ली है 700 येन की,
अप्रोक्स 500 रुपये आप मान लीजिए। तो अभी ये राइड करते हैं और देखता हूँ मैं इसके बाद एक राउंड और करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। राइड पे फ्रेंड्स वो राइड करी उसमें काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही डेंजरस राइड थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये -30 डिग्री इसके अंदर आप जाएंगे तो इसकी भी 600 यौन फीस है। इसके ये -30 डिग्री टेम्परेचर है इसके अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कूलिंग एरिया है ये, जैसे कि जापान में इस समय गर्मी है करीबन 25-26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग किस्म की काफ़ी सारी राइड्स हैं यहाँ पे। तो ये आपका गेमिंग पॉइंट है इस तरफ। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो लुक आ रही है वो डिज्नीलैंड जैसी ही आ रही है। ये डिज्नीलैंड नहीं है बट ये एक तरह का डिज्नीलैंड ही है जापान का। तो काफ़ी अच्छा है, ये फैसिलिटीज़ दे रखी है इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी। तो बहुत ही शानदार ये यहाँ का व्यू है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ये हॉरर वो शो है इसके अंदर, हंटेड, जिसमें कहते हैं हंटेड शो। यस, तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है यहाँ का। तो अभी जैसे कि दिन छिपने वाला है तो उससे पहले पहले हम सोच रहे हैं कि सारे इवेंट्स यहाँ के कवर कर लें जल्दी जल्दी से।